Good afternoon to all of you. In this video, we will discuss about different addressing mode of 8085. Okay. Now, in immediate addressing mode, in immediate addressing mode, such as MVI A,06H. A is the name of register. Okay, A is register, and 06 is 8-bit data. In this instruction, 8-bit data, that is 06H, is transferred into register A. If MVI B,06H, it means data 06 is transferred into B. As all of you know, we know that the data is mentioned, 06 is mentioned, so it is immediate addressing mode. Okay, in register addressing mode, the data is not mentioned in front of opcode. As MOV A,B. A,B means B is register, A is also register. It means you will copy/load the data of register B into register A. We don't know the data stored in register B, but in immediate addressing mode we know data. हमने आपको बताया कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम डेटा को जानते हैं कि कौन सा डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है, जबकि डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम उस डेटा का रजिस्टर जानते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा, चाहे वो 8-bit का है, वो किसी रजिस्टर में स्टोर होगा। ओके, और रजिस्टर में स्टोर होगा और उस रजिस्टर का कोई पर्टिकुलर होगा एड्रेस। एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का। तो जब हम डेटा को ऑपकोड के सामने लिखते हैं तब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, जब डेटा के जिस रजिस्टर में स्टोर होता है उसे ऑपकोड के सामने लिखा जाता है। ऑपकोड क्या है? जो काम करना है, ऑपरेशनल कोड के सामने लिखा जाता है उसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं और जब उस रजिस्टर के एड्रेस कितने बिट का होगा? 16 बिट का। एड्रेस को ऑपकोड के सामने लिखा जाता है तो उसे
सॉरी उसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। नाउ अब डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि मान लिया कि कोई रजिस्टर ए है जिसमें डेटा 06H स्टोर था, ठीक है। अब इस डेटा को रजिस्टर बी में, ठीक है, इस 06 को रजिस्टर बी में मूव करना है, तो तीन तरीके हैं। जैसे माना कि रजिस्टर ए है, रजिस्टर ए में डेटा क्या है, 06 है, और ये क्या है रजिस्टर ए है, उसका एड्रेस क्या है, मान लिया कुछ भी एड्रेस, मान लिया 3000H, कुछ भी मान सकते हैं, ये 16 बिट का एड्रेस आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक कोई भी बुक है, मान लिया कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर की बुक है, माइक्रो प्रोसेसर की बुक है, ये आपका डेटा हो गया, ये किसी बैग में रखी है, ओके, और इस बैग का भी कोई एक एड्रेस है, ये बैग जो है किसी एड्रेस पर रखा है। तो यदि आप इस माइक्रो प्रोसेसर की बुक को कॉल करते हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर आप इस बैग को कॉल करते हैं तो बैग कहोगे बैग में जो चीज़ रखी है वो ले आइए, तो आपने बुलाया तो माइक्रो प्रोसेसर को, लेकिन डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर की बुक को ना लेकर बैग को बुलाया, तो यहाँ पे हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और अगर आपने उस बैग को कहा कि उस पर्टिकुलर एड्रेस को बुलाया जहाँ पर वो बैग रखा था, तो बुलाया तो आपने माइक्रो प्रोसेसर को ही, लेकिन आपने उसके एड्रेस के थ्रू बुलाया, तो इसको क्या कह दिया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, जैसे एग्जांपल है कि मान लिया कि रजिस्टर ए में, जैसे आपने लिख दिया MVI A,06H, तो आपने ए में ट्रांसफर, बी में ट्रांसफर किया MVI B,06H, मीन्स 06 कहाँ चला गया, बी में, तो आपने सीधे डेटा को किस में ट्रांसफर कर दिया, बी में ट्रांसफर कर दिया, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, ये इमीडिएट। अब आपने क्या किया, उस डेटा किस रजिस्टर में स्टोर है, ए में, तो आपने कहा ए की चीज बी में जाएगी, अभी भी बी में जाएगा क्या, वही 06 जाएगा, लेकिन जो ले जाने का या मूव करने का तरीका है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसे क्या कहा गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और आपने लिख दिया LDA 3000H, मीन्स इस एड्रेस का, ये एड्रेस है कि ये किसी रजिस्टर का एड्रेस होगा, इस एड्रेस के रजिस्टर के डेटा को आपको कहाँ मूव कराना है, LDA में, तो रजिस्टर के थ्रू जाएंगे तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एड्रेस के थ्रू जाएंगे तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और सीधे डेटा को लिख देंगे तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ अब एक चीज़ और देखिए, एक और है जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में मान लिया ये जो एड्रेस है वो उसके, वो भी किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा, रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा, ठीक है, रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। तो जब रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा, तो और आपने उस रजिस्टर पेयर में अगर उसको लिख दिया, ठीक है, उस रजिस्टर पेयर को ऑफ कोड के सामने लिख दिया, क्योंकि देखिए एड्रेस जब भी होगा माइक्रोप्रोसेसर में वो 16 बिट का होगा, और जो एड्रेस होता है वो हरदम किस में स्टोर होता है, रजिस्टर पेयर में। अगर आपने रजिस्टर पेयर को किसी ऑफ कोड के सामने लिख दिया, ना आपने डेटा लिखा, ना आपने रजिस्टर लिखा, ना आपने 16 बिट का एड्रेस लिखा, जबकि आप जो एग्जांपल क्या है इसका, LDAX, ठीक, अब आपने HL कर दिया, HL क्या है, HL की चीज नहीं जाएगी इसमें, HL इस रजिस्टर पेयर है, इसके अंदर जो एड्रेस है उसके रजिस्टर के डेटा को कहां जाएगा, अकुमुलेटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने डेटा लिखा तो इमीडिएट, रजिस्टर लिखा डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एड्रेस लिखा 16 बिट का तो इसको क्या बोला गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और अगर रजिस्टर पे लिखा जिसमें इस डेटा के रजिस्टर का एड्रेस स्टोर है, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ये चार एड्रेसिंग मोड होती है, और लास्ट होती है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, जिसमें आगे कोई भी ऑपरेंड ना लिखा जाए, जैसे हम लोग HLT लिखते हैं, HLT क्या है, प्रोग्राम के टर्मिनेशन की बात होती है, तो इसके आगे कोई भी ऑपरेंड नहीं लिखा है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज होता है, और इसको हम लोगों ने क्या कहा, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इन पांचों एड्रेसिंग मोड्स में से कोई एक एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे।